लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि मैम नेगेटिव थॉट्स क्यों आती है, आखिर एंजाइटी होती ही क्यों है, क्यों इतना गुस्सा आता है, इतना रिएक्ट क्यों करते हैं, शांत क्यों नहीं रहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कशिका जैन है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी इन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ आपको हमारा माइंड कैसे रिलैक्स रहता है, कब वो रिएक्टिव जोन में चला जाता है। तो मैं रिलैक्स्ड और रिएक्टिव ब्रेन के बारे में बताऊंगी, एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी आपको, और मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी कि कैसे आप हर समय एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, आप एकदम काम रहेंगे, आपके सारे रिएक्शंस परफेक्ट रहेंगे, आपके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। देखो, मेरा मोटिव यही है आप लोगों के लिए अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालकर वीडियो बनाने का, कि आप लोगों की हेल्प हो सके और आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएगा और फिर उनकी मदद हो पाएगी। तो शेयर करना जरूर याद रखेंगे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज रिलैक्स्ड वर्सेस रिएक्टिव ब्रेन की। अब क्या होता है जब हमारा ब्रेन रिलैक्स्ड होता है? भाई, नेचुरली हम लोग काम रहते हैं, हंसकर मुस्कुराकर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस को, एकदम अच्छा अच्छा सा सब रहता है, रिलेशनशिप भी अच्छी रहती है, काम भी अच्छे से कर पाते हैं। पर जब हम रिएक्टिव जोन में होते हैं तो हमारा दिमाग में गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, हम बड़ा इम्पल्सिव सा हो जाते हैं, ये सब हमारे साथ होता है। तो अक्सर जब मैं बताती हूँ कि आपको एंगर इश्यूज हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हैं, तो लोग बोलते हैं कि मैम ऐसा हो ही क्यों जाता है, क्या ये पैदाइशी होता है कि कोई इंसान रिएक्टिव मोड में पैदा होता है, या फिर ये हम सीख लेते हैं ऐसा? तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, समझिए कि जब हमारा ब्रेन रिएक्टिव जोन में जाता है और कब वो रिलैक्स मोड में रहता है, तो जब हमारा ब्रेन एक्सपेक्टेड जो भी इवेंट होते हैं हमारे आसपास, जो हमने एक्सपेक्ट किया और वैसा ही हो गया, तो हमारा माइंड रिलैक्स मोड में रहता है। लेकिन हर वक्त तो जो मैंने सोचा वैसा नहीं हो सकता ना, कभी तो ऐसा भी होगा ना, अनएक्सपेक्टेड होगा या दूसरे के मन मुताबिक होगा, या जो मैंने अभी चाहा है एकदम से नहीं होगा, हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में होने लग जाए। लेकिन उस मोमेंट में जो भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, जब भी अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ होता है तो हमारा ब्रेन रिएक्टिव जोन में चला जाता है। अब जब हम रिलैक्स मोड में रहते हैं तो हम प्रेजेंट में रहते हैं, जो भी हमारे आसपास इवेंट हो रहा है, जिस भी पर्सन के साथ हम हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आराम से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंसते हैं मुस्कुराते हैं, नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जब हम रिएक्टिव जोन में होते हैं तो हम या तो पास्ट में चले जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, या फिर फ्यूचर के लिए बस एंशियस होते रहते हैं। उस टाइम पर रिएक्टिव होने की वजह से हमारे अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स का रश है वो बढ़ जाता है और हमारा माइंड बड़ी तेजी से थॉट्स बनाने लगता है, जिसको कहते हैं ओवरथिंकिंग हो रही है, माइंड रिएक्टिव हो रहा है, एक बार में ऐसा लग रहा है थॉट्स की ट्रेन चल रही है, रुक ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो थॉट्स की स्पीड भी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो वहीं पर थॉट्स की स्पीड जो होती है वो कंट्रोल रहती है, आप प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा ना कि अगर आपका मूड अच्छा है और अगर कुछ आपके आसपास नेगेटिव इवेंट भी हुआ है तो फिर आप ना उसे आसानी से लेट गो कर देते हैं। लेकिन अगर आप गुस्से में होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करते हैं। अब अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका बर्थडे आ रहा है और आपने अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा इस बर्थडे तो मुझे ना एप्पल चाहिए, तो मम्मा ने भी तुरंत से बोला एप्पल चाहिए, बर्थडे का वेट क्यों कर रहा है, जा फ्रिज में खोल और ले ले, बहुत सारे एप्पल रखे हैं। अब आप तो चाह रहे थे कि एप्पल मीन्स एप्पल का फोन आपको मिल जाए, और मम्मी ने सोचा एप्पल का मीन्स एप्पल खाने वाला और आपको दे दिया। तो अनएक्सपेक्टेड, तो ब्रेन ट्रिगर कर सकता है कि अरे इन्हें तो समझ भी नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे एप्पल का फोन चाहिए था और ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि एप्पल खा ले जाकर। तो अनएक्सपेक्टेड जब भी हम सुनते हैं हमारे साथ होता है, हमारे एनवायरमेंट में कुछ भी ऐसा हर वक्त हो सकता है जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे फेवर में नहीं है या हमने जो चाहा था वैसा नहीं है। तो जब भी कुछ ऐसा हमारा माइंड एक्सपीरियंस करता है या हमारे साथ होता है तो हमारे वहां पर एक डिस्टॉर्शन होने लगता है माइंड में, जिसको कहते हैं हम शुड स्टेटमेंट। शुड स्टेटमेंट एक तरीके की एक फिक्स्ड पैटर्न थिंकिंग होती है, जिसमें जैसा मैंने सोचा, जैसे मैंने चाहा, मेरे साथ वैसा हो रहा है, तो भाई मैं बहुत ज्यादा खुश
खुश हूँ, एकदम से मेरा माइंड रिलैक्स उसमें है। लेकिन अगर वैसा नहीं हो रहा है तो एकदम से ब्रेन जो है वो रिएक्टिव मोड में आ जाएगा, वहां पर केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होंगे कि पैनिक लेवल आ जाएगा, और वो रिएक्शन आपकी वॉल्यूम रेज कर भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े से भी हो सकता है, या मुंह फुलाकर बैठ जाओ, रोने लग जाओ आप, इस तरीके से भी आ सकता है, रिएक्शन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो हमारा ब्रेन या तो रिलैक्स जोन में रहता है या फिर वो रिएक्टिव जोन में रहता है। अब ये कैसे होता है, मतलब ये कौन डिसाइड करता है कि ब्रेन रिलैक्स मोड में ज्यादा रहेगा या फिर रिएक्टिव मोड में ज्यादा रहेगा? बिकॉज हम सभी ने ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस में सुना होगा, भी प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आप को अफर्म करो, और एकदम से ऐसे बोलो कि मैं काम हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, और हम ट्राई करते हैं और एक दो दिन बाद हमें लगता है ये सब चीजें काम नहीं करती हैं, बकवास की चीजें, इससे थोड़ा ना बदल जाता है कोई इंसान। वाकई जो मोटिवेशनल वीडियोज होती है वो हमें टेम्परेरीली पॉजिटिव करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम रियलिटी फेस करते हैं, क्योंकि हमने अपने बिलीफ सिस्टम पर काम नहीं किया होता है, तो वो परमानेंट तो चेंज होता नहीं है, तो हम फिर क्या है वापस से रिएक्टिव जोन में चले जाते हैं। तो वो मोमेंटरी रिलैक्सेशन हमारे पास आता है। हमें परमानेंट रिलैक्सेशन जोन में रहने के लिए क्या करना होगा, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। देखिए, अब हमें ये पता चल जाए कि हमारे बिहेवियर के पीछे हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है। अब आपका जो भी बिहेवियर है, जैसे एकदम रिलैक्स्ड बिहेवियर है, आप बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सिचुएशंस को, हंसकर मुस्कुराकर, इवन एडवर्स सिचुएशन में भी आप देखते होंगे कुछ लोगों की वो शांत रहते हैं, कुछ बड़ा नुकसान हो गया तब भी वो बड़ा शांति से डील कर रहे हैं, अगर पार्टनर से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तभी भी वो शांति से डील कर रहे हैं, एग्जाम आ रहा है, कोई परफॉर्मेंस आ रही है तभी भी वो बिल्कुल काम है। और कुछ लोगों को आपने ऐसा देखा होगा छोटी छोटी बातों पर बड़ा रिएक्ट करते हैं, बड़ी चिंता हो जाती है, इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, फियर्स डेवलप हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर होकर बड़ा ओवर रिएक्ट करते हैं। तो वो सब किस वजह से होता है, वो सब एक इंसान का बिलीफ सिस्टम कैसे बना हुआ होता है इसकी वजह से होता है। अब ये जो बिलीफ सिस्टम है ये हमारा अगर पॉजिटिव बना हुआ होगा पहले से, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक जो थॉट्स आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे। अगर ये नेगेटिव बना हुआ होगा तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक थॉट्स जो है वो नेगेटिव आएंगे। अब कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन में जाएगा तो भी सिचुएशन तो वही रहेगी ना, लेकिन उस सिचुएशन में जितने भी लोग होंगे वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं सिचुएशन को। कुछ लोग एकदम इंपल्सिव हो जाएंगे, बड़ा रिएक्ट करने लगेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे काम रहेंगे और सिचुएशन को सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है तो दो तरीके से करता है, एक करता है वो लॉजिक्स के बेसिस पर और एक करता है वो इमोशंस के बेसिस पर। अब इमोशंस जब ओवरवेल्म हो जाते हैं और हमारा कंट्रोल उनके ऊपर से हट जाता है तो यहां पर बड़ा स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव रिएक्शन आता है, हम एकदम से रिएक्ट करते हैं। और जब हम लॉजिकल वे में किसी चीज को देखते हैं तो यहां पर थोड़ा सा कंपैटिबली टाइम लगता है, और ये जो टाइम होता है ये रेस्पॉन्ड करते हैं, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं रेस्पॉन्ड करते हैं। अब जब ब्रेन रिएक्टिव मोड में जाता है तो वहां पर इमोशंस ओवरवेल्म हो जाते हैं, हमें किसी भी चीज के लिए अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, हम उसको हर्ट की तरह लेने लग जाते हैं, इंपल्सिव होकर हम रिएक्ट करने लग जाते हैं, ये सब इमोशंस हैं। इमोशंस पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो तो वहां पर इंपल्सिव होकर रिएक्शन फास्ट आता है। और जब भी हम किसी चीज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालिटिकल और लॉजिकल वे में देखते हैं तो वहां पर कंपैटिबली स्पीड स्लो होती है। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड ना करें, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स ना आए, हमें एंग्जाइटी ना हो, फियर ना हो, और हम एक रिलैक्स जोन में रहे, क्योंकि जब हम रिलैक्स रहते हैं तो हम हैप्पी रहते हैं, हमारी वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, और हम हर सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करने का जज्बा रखते हैं। तो इसके लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना होगा, हमें ये चीज समझनी होगी कि हमारे अंदर जो रिलैक्स्ड और रिएक्टिव जोन्स हैं उनको हम आराम से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम के साथ हम पैदा नहीं होते हैं, हम रिएक्टिव या रिलैक्स ब्रेन के साथ पैदा नहीं होते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहीं से हमारी कंडीशनिंग होती है। अब हमारी सोच डिसाइड करती है कि हमारे अंदर जो केमिकल फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगा। अगर आपके बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रह जाते हैं, आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स वो सब इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में जाएगी तो उससे जो केमिकल सिक्रेशंस होंगे वो सारे स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो ब्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम
माइंड रिएक्टिव जोन में रहेगा एंड ये कहेंगे भाई इसके अंदर तो शायद कुछ केमिकल ऐसा इंबैलेंस हो गया, रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगर केमिकल बैलेंस रिएक्शन भी होते हैं तो वो भी तो आपके थॉट प्रोसेस की वजह से ही होते हैं। तो पहले समझते हैं कि बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, क्योंकि तभी उसे बदलना हमें आएगा। अब ये जो बिलीफ सिस्टम होता है कि हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से बनता है, रेफरेंसेस की वजह से और क्या इंटरप्रिटेशन हम निकालते हैं उसकी वजह से बनता है। अब जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपना कोई थॉट प्रोसेस लेकर पैदा नहीं होता है, वो अपने आसपास एनवायरनमेंट से, जिस घर में वो पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स क्या हैं, जो भी उसके सिबलिंग्स हैं, जो भी और लोग उसके घर में रहते हैं, तो उन लोगों का कैसा बिहेवियर पैटर्न है। वो बच्चा अपनी मम्मी को देखता है, पापा को देखता है, दादा दादी बड़े लोगों को देखता है कि वो किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं, और वहां से उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम हमारी लर्निंग से बनता है। अगर बच्चे ने ये देखा है कि मेरी मम्मी छोटी छोटी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करती है, बोलती है, चिल्लाती है, उसने पापा को भी इसी तरीके से देखा है कि वो मिसट्रीट करते हैं मम्मा को, या बहुत ज्यादा अपने वर्क प्रेशर में आकर घर पे भी आकर मिसबिहेव करने लग जाते हैं, या छोटी छोटी बातों में एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस बच्चे की लर्निंग कैसी होगी? उस बच्चे की लर्निंग ऐसी होगी कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, एडवर्स हो या मेरे मन मुताबिक बात ना हो, तो भाई रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना बड़ा अच्छा वो है। और वो बच्चा कॉपी मारना शुरू करता है, जब वो कॉपी मारना शुरू करेगा तो उसके दिमाग में वो लर्निंग हो जाएगी, कि उसको खुद के एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे कि हाँ भाई मैंने ऐसे रोया था, फजीता करा था, तो मेरी मम्मी ने मेरी बात सुन ली थी। अब मैं रोऊंगा, फजीता करूंगा, तो इसका मतलब है मुझे अटेंशन मिलेगी, अब अटेंशन मिलेगी तो मेरे मन मुताबिक बात हो जाएगी। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी एक्सपेक्टेड होगा तो माइंड रिलैक्स रहेगा, और जब अनएक्सपेक्टेड होगा तो इंसान बौखला जाता है और फिर वो उस तरीके से ओवर रिएक्ट करने लग जाता है, चाहे एक्टिव वे में या फिर पैसिव वे में। तो बच्चे की लर्निंग होती चली जाती है, उसके पास ऐसे एनवायरनमेंट से रेफरेंसेस कलेक्ट होते हैं कि जब भी वॉल्यूम लाउड की जाती है, बहुत परेशान किया जाता है, तो लोग पूछते हैं अरे क्या हुआ, आप नॉर्मली हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन जैसे आप मुंह लटका के बैठ जाओगे या गुस्सा करोगे तो सबका टेंशन आपके पास आ जाएगा। तो ऐसी एक लर्निंग हो जाती है, रेफरेंसेस होते हैं, और माइंड इंटरप्रिटेशन निकालने लगता है, भाई रिएक्ट करना तो बड़ा ही अच्छी बात है, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो तो बड़ी सारी अटेंशन मिलती है, लोग आपसे डरे डरे से रहते हैं, और आपके मन मुताबिक चीजें जो वो होने लग जाती हैं, और इससे हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है, हमारा बिलीफ सिस्टम एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और जब नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होगा तो वो इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव ही निकालेगा, और कोई भी सिचुएशन आएगी तो ऑटोमेटिक थॉट नेगेटिव आएगी, और जब आप पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम रखते होंगे तो ऑटोमेटिक थॉट पॉजिटिव आएगी। तो अब हम जैसे भी थॉट्स चाहते हैं, हमें अपने माइंड को उसी तरीके के एक्सपीरियंसेस रेफरेंसेस देने होंगे। अगर हमारा एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो हमें एनवायरनमेंट सुधारना होगा, अगर हमें ऑलरेडी नेगेटिव बना हुआ है और हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आती है तो हमें हर सिचुएशन को पॉजिटिवली इंटरप्रिटेट करना होगा, तब जाकर हमारे ये बिलीफ सिस्टम पर फर्क पड़ेगा, तब हमारा ब्रेन रिएक्टिव मोड से रिलैक्स मोड में रहना सीखेगा। बिकॉज जब जब भी हम रिएक्टिव जोन में जाते हैं, जब जब भी हम इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो हमें ये चीज समझनी होगी कि रिएक्टिव जो ब्रेन है, यहाँ पर ये हमारा फियर क्रिएट करता है, ये हमारा अमेगडाला जो होता है और बेसिल गैंग्लिया जो होता है, ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है, और ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है जो हमारा रिलैक्स ब्रेन होता है। तो अब हमारा ब्रेन हमारे रिलैक्स स्टेट में ही रहे तो हमें उसके लिए ये चीज समझनी होगी कि जैसे भी हमने समझा कि हमारे बिलीफ सिस्टम पर हमें वर्क करना होगा, हमने ये समझा कि हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस रेफरेंसेस किस तरीके से हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं और हम ऑटोमेटिकली उस जोन में रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें और आपका ब्रेन इस तरीके से रिलैक्स रहे, हर चीज को पॉजिटिवली इंटरप्रिटेट करे, तो फिर आपको ये चीज समझनी होगी कि आप कोई भी सिचुएशन में होंगे तो वहां पर आपको उसका जो मीनिंग क्रिएट करना है वो बहुत सही तरीके से करना है। बिकॉज क्या होता है, हमारा ब्रेन जब भी किसी सिचुएशन में जाता है वो बिहेवियर के लिए रेडी होता है, तो वो एक इंटरप्रिटेशन निकालता है। अब उसकी इंटरप्रिटेशन जब निकलेगी तो वहां पर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, एक हम पर्सनल मीनिंग क्रिएट कर लेते हैं सिचुएशनल मीनिंग की बजाय। एक सिचुएशन से मीनिंग निकाला जाता है और एक निकाला जाता है पर्सनल मीनिंग से। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। एक वाइफ पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई और उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी जिस ड्रेस के पे हस्बैंड ने कमेंट कर दिया कि अरे ये ड्रेस वहां के लिए सुटेबल नहीं है, तुम एक काम करो अपना ड्रेस चेंज कर लो।
अब वाइफ ने इसको अगर इस तरीके से लिया पर्सनली कि इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस बात की बिल्कुल सेंस नहीं है कि कहाँ पर क्या पहनना चाहिए और ये तो मुझे कंट्रोल ही करना चाहते हैं, हद हो गई है, हर बात पर टोका टोकी, अब इनसे पूछकर कपड़े पहनूंगी क्या मैं, अगर इस तरीके से उसने पर्सनल लेकर एक्सप्लेन किया तो वहां पर क्या हो रहा है कि दिमाग जो है रिएक्ट करेगा, वो शाउट कर सकती है, वो कुछ सरकास्टिकली बोल सकती है अपने हस्बैंड को, ये डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर सकती है, मूड ऑफ कर सकती है, पार्टी में जाने के लिए मना कर सकती है। लेकिन अगर उसने सिचुएशनल इंटरप्रिटेशन निकाली, उसने ऐसा सोचा कि मेरे हस्बैंड मेरी केयर करते हैं, शायद ये जानते हैं कि ये ड्रेस उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, उस पार्टी के लिए सुटेबल नहीं है, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं, अदरवाइज इन्हें तो पता ही है ना कि मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है और मुझे पता है कि किस तरह से कहां पर क्या पहनना चाहिए। तो अब हम कैसे मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, हम उसका पर्सनल मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं या सिचुएशनल मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन भी आपका दिमाग कैसे निकालेगा, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस क्या हैं, मतलब आपका आपके हस्बैंड के साथ पुराना एक्सपीरियंस क्या है, कहीं उनकी टोकाटाकी की आदत तो नहीं है बार बार, या इस तरीके से वो कमेंट तो नहीं करते रहते हैं, या फिर वो आपने देखा है कि अपने घर में भी कि आपके फादर भी आपकी मदर को टोकते रहते थे और छोटी छोटी बातों पर अपने ही चलाते और कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, तो आपके पास प्रीवियस रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस कैसे पड़े हैं उसके बेसिस पर भी हमारा दिमाग सपोर्ट करता है कि भाई इस चीज का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से निकाल लिया जाए। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि जब भी हमारा माइंड पर्सनल मीनिंग क्रिएट कर रहा है तो वहां पर डिस्टॉर्शन कर रहा है शुड स्टेटमेंट, जिसमें कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वैसा ही होना चाहिए, तो भाई मैं रिलैक्स्ड हूँ, और अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरा रिएक्शन आना ही आना है। लेकिन ये रिएक्शन आने से बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। अब ऐसे तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे, आपने कोई एग्जाम दिया लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी टॉप पोजिशन ही आए, आप हर बार पास ही हो जाओ, आपने एक्सपेक्ट किया आपका जॉब में प्रमोशन हो जाए, आपने एक्सपेक्ट किया कि आपका बच्चा आपके अकॉर्डिंग चले, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है जो हमेशा आपके हिसाब से चलेगी। तो यानी कि आपके हाथ में तो हमेशा तलवार रहेगी कि भाई अगर आपने मेरे हिसाब से नहीं किया या सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मेरा तो एकदम से लो मूड चला गया, डिप्रेशन में आ गया, एंग्जाइटी होने लगी, फियर आ गया, एंगर इश्यूज आ गए, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें भाई अब प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो अब पहले देख लो, मैं जो आपको टिप्स बताती हूँ वो मैं खुद भी करती हूँ, हाँ मैंने अपनी फोटो लगाई हुई है, मैं खुद भी योगा मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ। और हाँ, आपने क्या मेरी ऐप अभी डाउनलोड नहीं किया, नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गाइडेड मेडिटेशन, अफर्मेशंस सब आप ही लोगों के लिए एकदम फ्री अवेलेबल है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम अपने ब्रेन को रिएक्टिव से रिलैक्स मोड में ला सकते हैं। उसके लिए हमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में हमें समझना होगा कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। कॉग्निशन होता है हमारा किसी भी चीज को समझने का, सोचने का और एक्ट करने का क्या पैटर्न होता है। तो अब हमें अपना ऑलरेडी जो बना हुआ बिलीफ सिस्टम है उसे चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक लगा सकते हैं, लिसन थिंक एंड स्पीक। कोई भी सिचुएशन आएगी आप डिसाइड कीजिए कि सबसे पहले मैं अच्छी तरह से सुनूंगा कि वो सिचुएशन क्या है, उसे सोचूंगा, समझूंगा एंड देन में कुछ बोलूंगा। अब ये एकदम से नहीं होगा कि अभी आपको पता चल गया कि LTS मॉडल आपको प्रैक्टिस करना है तो एक दो बार किया, नहीं, इसकी प्रैक्टिस आपको कॉन्शियसली करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब कुछ कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं तभी जाकर वो हमारी स्किल का पार्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चलाना सीखना चाहते हैं, अब आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की पहले फेज में कि बाइक चलती कैसे है, कहाँ पर क्या फंक्शन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाइक चलानी आ गई है, आपको सेकेंड फेज में बाइक पर बैठना पड़ेगा और उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर थर्ड फेज में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप फोर्थ फेज फाइनल फेज में शिफ्ट होंगे जहां पर बाइक चलाना आपकी स्किल का पार्ट हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आज आपने सीखा कि हमें पहले सुनना है अच्छी तरीके से, फिर सोचना है और फिर बोलना है, तो ये चीज आपको कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ऑटोमेटिक होगी, तब आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बनेगी। तो फिर ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस करकर आपका दिमाग जो भी सुनेगा उस पे पॉज लेकर सोचकर और तब बोलेगा, तो इससे क्या होगा, आप अपने रिएक्शन से बच जाएंगे। दूसरा जो तरीका है वो है हर सिचुएशन का पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट करना। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सिचुएशनल मीनिंग क्रिएट करना है, ना कि पर्सनल मीनिंग। कोई भी पर्सन अगर आपसे कुछ कहता है और आप सीधा उसे दिल पर ले जाते हैं और आप अपने ऊपर ले जाते हैं कि जैसे कोई आप पर अटैक कर रहा है, कोई ब्लेम कर रहा है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी होगी। आप अपने आप को और सिचुएशन को अलग कर देखिए हमेशा। ये थोड़ा सा इनिशियली आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप माइंड रीड करने की कोशिश करेंगे दूसरे का कि दूसरे
दूसरे ने जो कहा है या दूसरा जो कर रहा है उसके पीछे का, बस यही फिक्स्ड एक थॉट हो सकता है और वो जरूरी नहीं है वैसा हो। ये तो आपका एज्यूम थॉट है, आपने एज्यूम किया कि उसने जो ये किया है ये इस वजह से हुआ है और आप रिएक्ट करने लग गए उस पर। आपको ये चीज समझनी होगी कि हम जैसा दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि उसने ये किया है तो इस वजह से किया होगा या वो ये सोच रहा है तो उसका ये मतलब होगा, तो ये तो आपके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग आप मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। दूसरे की सिचुएशन, दूसरे का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए एक सिचुएशन में सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और बिहेव करते हैं। तो यहां पर आपको समझना होगा कि हर सिचुएशन का आपको पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट करना है। जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे दिन भर में जितनी भी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, तो हर सिचुएशन को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करना सीखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को फोन मिलाया और उसने फोन नहीं उठाया, दिमाग में थॉट आया इसने जानबूझ के नहीं उठाया, तुरंत इसे रिप्लेस कीजिए कि शायद वो कहीं बिजी होगा इस वजह से मेरा फोन नहीं उठाया, या वो पर्सन का फोन साइलेंट पे होगा इस वजह से मेरा फोन नहीं उठाया। आपने किसी से हेल्प मांगी उसने हेल्प नहीं दी तो समझ जाइए कि उसकी स्थिति ऐसी होगी कि शायद वो मेरे को हेल्प नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है कि सामने वाले की जगह पर अपने आप को रखकर देखना, उसकी सिचुएशंस को, उसकी फीलिंग्स को समझना, इसको हम एम्पैथी कहते हैं। जब आप हर चीज का मीनिंग अपने लिए पॉजिटिवली क्रिएट करेंगे तभी हो पाएगा। देखिए, नेगेटिव मीनिंग निकालकर आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं, आप खुद का ही नुकसान करते हैं। अगर मैं किसी भी सिचुएशन में अपना कोई भी नेगेटिव मीनिंग क्रिएट करूंगी जो कुछ भी मेरे आसपास हो रहा है उसके लिए, तो वो मेरे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बनेगा, वो दूसरे के बिलीफ सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा। ये ऐसा जहर है कि आप पिएंगे तो आप ही मरेंगे, ऐसा नहीं होता है जहर के उसमें कि आप पी रहे हैं और मर कोई और जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो हर सिचुएशन को आपको पॉजिटिवली ही आराम से एक्सप्लेन करना है अपने आप को, क्योंकि आपकी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर ही अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, वो डिसाइड होगा कि आप रिएक्टिव जोन में जाएंगे या आप रिलैक्स जोन में रहेंगे। अगर आप हर सिचुएशन को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करेंगे, शुरुआत में जानबूझकर भी करेंगे, तो आपके अंदर जो केमिकल सिक्रेशंस होंगे वो रिलैक्स रखेंगे आपको, और अगर आप नेगेटिवली इंटरप्रेट करेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव बन जाएगा और आप परेशान होते चले जाएंगे। और सीबीटी पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं कि कैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरे वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वहां पर वीडियो देख लीजिए उसका। दूसरा है एक्सरसाइज करने से, मेडिटेशन, अफर्मेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेरी ऐप पर सब आपको फ्री में मिल जाएंगी, आप जरूर कीजिए। मैं भी डेली करती हूँ इसीलिए मैं इतने विश्वास के साथ आपको रिकमेंड कर रही हूँ, जरूर कीजिए। इससे हम रिलैक्स जोन में रहते हैं, रिलैक्स जोन में जब हम रहते हैं तो हमारा माइंड हर इन्फॉर्मेशन को, हर चीज को पॉजिटिवली ही लेता है, और जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। और आप ये देखिए कि ओवरऑल आप देखेंगे आपके अंदर एक इनर काम पीस रहेगा और आप बहुत बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आप मेरा सीबीटी का वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरह से ऑल्टरनेटिव थॉट लिखने होते हैं, और ये एक्सरसाइजेस आपको करनी है। आपको मुझे ये भी बताना है कि कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कौन सी गाइडेड मेडिटेशन आपको बहुत अच्छा लगा और आपको क्या फायदा हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। आप लोग जिस भी टॉपिक पर ज्यादा कमेंट करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगी, क्योंकि एक एक सिंगल कमेंट के बेसिस पर मेरे को वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लिख दीजिए और इस यूजफुल वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि क्यों उनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, क्यों ओसीडी, क्यों वो डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों इतने सारे नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर आते हैं। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।